नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज एंड फोमी टाइटल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारे परिवार में फंसे पैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सारे डे में फंसा पैसे निकालने के लिए आवेदन सबसे पहले ज़रूरी है करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे डे परिवार में अगर आपके पैसे फंसे तो आपको सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सारे ने परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो पैसा सहारा के एजेंटों ने भी इन्वेस्टमेंट करवाए, तो आपको अपना जिन एजेंट्स के द्वारा आपने उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करवाया है उन एजेंट से भी आपको लिंक में रहना चाहिए। सारा इंडिया रिफंड मनी से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताए जा रहे हैं कि सारा इंडिया का मकास से भी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कोर्ट केस चला है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये केस चला है, पहली केस चला था हाई कोर्ट में, अभी चला है सुप्रीम कोर्ट में। तो सारे ने परिवार में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेबी ने एक दशक में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपए की वापसी की प्रक्रिया की थी। जी हाँ, 138 करोड़ रुपये से सारे ने परिवार के जो इन्वेस्टर्स थे उनको सेबी ने 138 करोड़ रुपये वापस भी किया। जब पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने ताज़ा सालाना रिपोर्ट में दिया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे के परिवार में इन्वेस्टमेंट किए हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपने पैसे को वापस चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो से, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन।